एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से आज मिशन दी पब्लिक स्कूल में 100 बच्चों को स्कूली बूट और जुराबें बांटी गई हैं। इस मौके लाइफ केयर एजुकेशन के चेयरमैन दीपक पुरी और प्रधान कश्मीर सोता ने बताया है कि उनकी सोसाइटी की तरफ से बच्चों को स्कूली बूट और जुराबें बांटी गई हैं। सत श्री अकाल जी, कश्मीर सिंह सोता, प्रेजिडेंट लाइफ केयर एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी। तो अज असी अपनी पूरी टीम के नाल मिशन दी पब्लिक स्कूल दे विच पहुंचे हैं, जिद चेयरमैन दीपक सूरी जी की अगुवाई में सारी टीम अज काम कर रही है। तो इत्थे बहुत सारे बच्चे ने जो फादरलैस ने, जिन्होंने फैमिली च रखन वाला भी पिछे सांभन वाला भी कोई नहीं, उन्होंने मिशन दी पब्लिक स्कूल इत्थे पढ़ा रहा है। तो अज इत्थे आए हैं उन्होंने वास्ते बच्चों बूट जराबा दिते, 100 जोड़ा जराबा दे दिते है, बूट पहनाए, हथी सेवा की है। सो नैक्सट भी असी जो इसे अज के हालात देखे ने, तो बहुत सारिया बच्चिया पढ़ दी ने, नैक्सट भी असी इन बच्चों वास्ते, लड़कियों वास्ते खास करके 100 दुपट्टा करीब करीब दे के जावे। तो सुंदर लिखाई वास्ते नाले पंजाबी नू प्रमोट करने लिए सुंदर लिखाई मुकाबले भी करवावे इस स्कूल दे विच। ते इस साल दे विच विच साडा स्कूल दा दे विच 20,000 बूट देने का टीचा वा, और असी इस साल दे विच पूरा करांगे। थैंक यू। सत श्री अकाल जी, मैं डॉक्टर गुरप्रीत कौर, लाइफ केयर एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी मैला विंग दी प्रेजिडेंट। अज असी अपनी सोसाइटी वालों, लाइफ केयर एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी वालों, अज असी आए हाँ मिशन दी पब्लिक स्कूल नियर पला साहब गुरद्वारा साहब। अज इतों की सानू रिक्वायरमेंट आई सी बच्चों की कि इत्थे बहुत ज़्यादा जरूरतमंद बच्चे आ जेड़े कि डेली स्कूल दे विच कैंची चप्पलां पा के आते हैं। साड़ी सोसाइटी वालों ऑलरेडी ये जिहड़ा उपराला जिहड़ा पिछले लगातार 6 से 7 महीनों तो जिहड़ा कीता जा रहा है, जिहदे विच साड़ी ज़्यादातर कोशिश यही हुंदी है कि स्कूल दे बच्चों स्कूल बूट जिस तरह की बच्चों की नीड होवे उस तरह का असी जिहड़ा कोशिश कर सकीए कि उन्हां दीआं जरूरतां नूं पूरा कर सकीए। अज असी इस स्कूल दे विच तकरीबन 100 दे करीब बच्चे सीगे, जिहदे विच लड़कियां नाल लड़के, उन्हां नूं अज असी इत्थे जिहड़े शूज़ जिहड़े उह प्रोवाइड कीते विद सॉक्स। नैक्सट साडी जिहड़ी सोसाइटी दा जिहड़ा उपराला है, साडा उपराला इह है कि असी एक साल दे विच विच जिहड़ी साडी एक कह लो एनवर्सरी जिहड़ी है सोसाइटी दी साडी आएगी उहदे अंदर अंदर एक साल दे अंदर अंदर असी 20,000 बच्चियां नूं जिहड़े है शूज़ जिहड़े है प्रोवाइड करांगे विद सॉक्स। इस तों इलावा जिन्नी साड़ी कोशिश आ रुख लगावांगे प्लांट्स, क्योंकि वो बहुत जरूरी ने अज दे टाइम च, अज दे युग विच ऑलरेडी जिन्ना दी कटिंग हो चुकी है उन्हां तो सानू प्योर जिहड़ी ऑक्सीजन जिहड़ी मिलदी है वो साड़ी सोसाइटी जिहड़ी है करदी है। फिर कई जिहड़े जरूरतमंद आ जिहड़े मेडिसिन्स नहीं लै सकदे, टेस्ट वगैरह नहीं करवा सकदे, उहदे विच साडी सोसाइटी जिहड़ी है वह जिहड़ा उपराला करदी है। मैडिकल कैंप जिहड़े ऑर्गनाइज़ असी बिल्कुल फ्री करदे हाँ। साडे सोसाइटी नूं चलाउण लई जिहड़े मेन साडे मैंबर साहिबान ने, चेयरमैन दीपक सूरी जी ने, जिहड़े कि इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट नाल लिंक रखदे ने, साडे प्रेजिडेंट ने कश्मीर सिंह सोहोता जी, जिहड़े कि एजुकेशन नाल रिलेटिड ने, उहनां दा अपना जिहड़ा सेंटर आ, साडे सरदार जतिंदर सिंह बेदी जी ने वाइस प्रेजिडेंट ने, सरदार सरवण सिंह जी ने जिहड़े वाइस चेयरमैन ने, ये जिहड़े सारे अलग अलग जिहड़े है कह लो प्रोफेशन तो जिहड़े लिंक रखते हैं, बट सारयां दा एक मुद्दा यही है कि बच्चों दीआं जिन्नीआं जरूरतां नूं असी पूरा कर सकीए। असी साडी कोशिश महाराज नाल साथ दे रहे ने, गुरु महाराज की हजूरी विच रह के असी ये जिहड़ा उपराला वध तो वध कर रहे हैं, अगे भी जिहड़ा उपराला करांगे। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल जी, मैं गुरसीमा प्रीत कौर मिशन दीप NGO वालों गल कर रही हूँ तुहाडे नाल। मेरे नाल मेरा सारा स्टाफ मैंबर्स, सारे फैकल्टी मैंबर्स ने। अज साडे कोल एक बड़ी ही प्यार वाली ऑर्गेनाइजेशन साडे NGO आए ने, लाइफ केयर ऑर्गेनाइजेशन, जिन्हां ने बच्चों नूं शूज़ दिते ने। साडे कोल तकरीबन 500 बच्चा है जो पंजाब के वक्रे वक्रे एरिया तो लिया गया फॉर एजुकेशन। हुण ये BPL फैमिलीज़ के बच्चे ने, नैचुरली इन्हां नूं हर चीज़ की लोड़ हुंदी है, लेकिन जिहड़ी अज ऑर्गेनाइजेशन साडे कोल आई है, जिहड़ी सोसाइटी साडे कोल अज आई है, असीं उन्हां दे बहुत धन्नवादी हैं, बिकॉज़ उन्होंने सोचिया कि बच्चियां
ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਨਾ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਦਿਸ ਇੰਟਾਇਰ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਨੇਕ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਸਾਡੇ ਐਨ ਜੀ ਓ ਪ੍ਰਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਜੀ।